दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय गौरव कलश। मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट जिले में नक्सलियों को हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति करने के आरोप में बालाघाट पुलिस ने कुछ महीने पहले गोंदिया जिले से 7 आरोपियों को गोंदिया के पास गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों की गहन जांच के बाद चिचगढ़ थाना क्षेत्र के परसोड़ी जंगल क्षेत्र के पास एक खेत से 52 जिंदा कारतूस बरामद किया। गोंदिया जिले के सालेकसा देवरी आमगांव अर्जुनी मोरगांव तहसील के वन क्षेत्र को नक्सलियों के रेड जोन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद भी जिले में नक्सली गतिविधियां जारी है। नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में देवरी तहसील के चिचगढ़ से एक पूर्व नगर पार्षद और दो अन्य सहित कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इस बीच सभी आरोपी मध्य प्रदेश के बालाघाट पुलिस की हिरासत में है। चिचगढ़ में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही थी, वही चिचगढ़ इलाके के खेत से पुलिस ने 52 AK-47 जिंदा कारतूस बरामद किया। इसलिए जिले में नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने की साजिश सामने आई। खेतों से बरामद किए गए कारतूसों की जब्ती से इस बात की जाँच होगी कि जिले में और कितने हथियार स्टॉक में है। 52 जिवंत कारतूस आमच्याकडे एक आचले नावाचे आरोपी घनश्याम आचले ते यापूर्वी ऑलरेडी किरणापूर पोलिसांच्या एका अपराधामध्ये अटक आहेत। त्यांच्या शेतामध्ये अशी माहिती मिळाली की काही स्फोटक सामग्री लपवली गेली आहे। त्याच्यामध्ये आम्ही तिथे जाऊन झडती घेतली। तिथे आम्हाला ही 52 जिवंत कारतूस AK-47 आम्हाला मिळाली। आपके अपने चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले।